मैं जौनपुर से हूँ मैडम। अच्छा। और मैं NRS डीलर कैंडिडेट हूँ जो KVS से सिलेक्टेड हूँ। 7 महीने से वेट कर रहा हूँ अपने ज्वाइनिंग लेटर का, जो हमें मोदी सरकार टहला रही है, एक एक वर्ड हमारा सुनना नहीं चाह रही है। आपकी समस्या क्या है? मैडम हम सिलेक्टेड हैं KVS में, सारे एग्जाम क्रैक करके वहाँ पे गए हुए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जिस दिन हमारा रिजल्ट आया उसी दिन सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आता है। वो वर्डिक्ट में ये है कि मोदी जी ने जो डिप्लोमा करवाया था, जिसका एडवर्टीजमेंट उन्होंने 2019 के अपने इलेक्शन में बहुत किया था, कि मैंने 12 लाख लोगों को 8-10-12-15 हजार रुपए में तब डिप्लोमा करवा दिया, खूब एडवर्टीजमेंट किया उसका 2019 इलेक्शन में, उसको सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड करार कर दिया। अब मेरी समझ ये कहती है कि अगर मैं किसी की गलती को बताऊं उसको अपनी गलती को तुरंत सुधारना चाहिए, बट मोदी सरकार हमारी बिल्कुल सुननी नहीं चाह रही है। ये हमारा बिल जो हमारा जो डिप्लोमा कराया गया था संसद के दोनों सदनों में बिल पास है, इसमें दुर्भाग्यवश गजट प्रिंट नहीं हुआ इसमें सिर्फ, जिसकी वजह से सारे लूपहोल हो रहे हैं। अगर गजट प्रिंट हो जाता तो ये हमें कोई दिक्कत नहीं होती। हम अपना इस समय मैं हैदराबाद में ज्वाइनिंग होती, ऐसा PS मिश्रा धर्मेंद्र प्रधान जी के ने बोला। हम नोएडा की एक एक न्यूज 18, AVP न्यूज, एक आज तक, GTV जी न्यूज और 2-3 और मुझे नाम नहीं याद है, टोटल टीवी, भारत टीवी, ये 5-6 जगह गया, तो हर जगह था। इन 5-6 जगह पे मैंने रिटर्न एप्लीकेशन दिया हुआ है, अपना नाम मोबाइल नंबर नीचे नोट करके आया हूँ। वो कहते हैं जी कोई बात नहीं, आप लिख के दे दो, हम कर लेते हैं। मैंने जी हम आए खुद, आप एक मिनट हमारी बात अंदर करवा दीजिए, रिसेप्शन तक मुझे जाने दीजिए। कहते नहीं जी आप नहीं जा सकते। कोई रिप्लाई नहीं आया, 1 हफ्ते हो गए उस बात को भी, 1-to-1 जब मैंने सबको लॉक किया उस बात को भी 1 हफ्ते हो गए। आपको यहाँ पे आए हुए कितना टाइम? मैडम हम 8 दिन से केंद्र, हमें यहाँ पे आए हुए, मैं इंडिविजुअल मुझे 10-12 दिन हो गए यहाँ पे। मैं 3-4-5 दिन मैं नोएडा में रहा, डोर टू डोर सबको लॉक किया, सभी मीडिया वाले चैनल्स को, बट किसी ने हमें सुना तक नहीं। अंदर अपने ऑफिस के अंदर नहीं आने दिया, बाहर ही बोला ठीक है 1 मिनट दे दीजिए, सर मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई कॉल बैक नहीं आई। उसके बाद हम लोग 8 दिन से बैठे हुए हैं केंद्रीय विद्यालय के सामने, और वो भी हमारी बात नहीं सुनना चाह रहे हैं। एक दिन वो हमसे पुलिस को मैंने ही बुलाया था DCP ऑफिस होके, बट हमें परमिशन मिली कि 5 रिटर्न मिला था, हमें एप्लीकेशन रिटर्न मिला था कि हम 5 लोग अंदर जाके अपनी बात कर सकते हैं केंद्रीय विद्यालय के, बट वो 5 लोग को अंदर नहीं आने दिए हमारे साथ। जबकि उस पुलिस चौकी का नाम नहीं याद आ रहा है, उस पुलिस चौकी से हमारे साथ मित्र भी नहीं, दूसरा था, किशनगढ़ पुलिस चौकी में गया था, ऐसा तो साहब से भी मिला था, DCP ऑफिस में भी गया था, तो मुझे परमिशन मिली 5 लोग को जाने को अंदर। बट पुलिस रहते हुए वो अंदर गए, उन्होंने बताया हमारा मैटर, तो वो अंदर हमको नहीं बुलाते, वो बाहर आते हैं दो आदमी, अब वो किस लेवल के थे आई डोंट नो, और वो आके हमें बताते हैं जी कुछ नहीं होगा तुम्हारा, अब हम ग्रुप में है तो अपनी बात तो रखेंगे, नहीं होगा कुछ तुम लोग जाओ, और बोल के गेट अंदर चले जाते हैं। ये कोई तरीका नहीं होता है कि मतलब एक शिक्षक से आप ऐसी बात करो, बात यही नहीं खत्म होती मैडम। हमारे मित्रों को, हम में से लोगों को पानी देने से मना कर दिया, जबकि हम लोग जबकि गेट के बाहर, जबकि वहां पर हमारे साथ में महिलाएं शिक्षक जो कि चयनित हैं और जिनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है, महिलाएं भी थी वहां पर, उनको वॉशरूम जाने तक के लिए नहीं दे रहे थे, पानी नहीं दे रहे थे। हम लोग एक पास में एक दुकान थी, शायद वो समोसा बेचते थे, और छोटी सी दुकान थी, उन्होंने बहुत हल्की, उन्होंने वही, उनके यहाँ वॉशरूम बना हुआ है वहीं उन्होंने जाने दिया, और पड़ोस में एक अजीब सा नल लगा हुआ है वहां से हम लोग पानी पीते थे, अंदर से पानी तक हमको नहीं मिल रहा था, जबकि 52 डिग्री टेम्परेचर था वहाँ पे। और मैं क्या बताऊँ मैम, और इसके अलावा मैं खुद NCT के हेड ऑफिस में गया था, वहां पर मेरी बात हुई, वहां पर भी उन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया, उन्होंने कहा भाई देखो हमारे बस में कुछ नहीं है, अगर जबकि NCT को सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया कि ये एक सुप्रीम बॉडी है जो कि ये तय कर सकती है कौन टीचर बन सकता है कौन नहीं बन सकता, और वो बॉडी जो कि ऑटोनॉमस बॉडी है वो ये कह रही है कि हम अपने पास से कुछ नहीं कर सकते, जब तक हमको ऊपर से इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा हम आपको वैलिड नहीं करेंगे, जबकि NCT चाहे तो चुटकियों में हमको वैलिड कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये चाहे तो वैलिड कर सकती है, कोई कोर्ट नहीं वैलिड करेगा, NCT वैलिड कर सकती है, और NCT ऑफिस में जाते हैं वो कहते हैं हम वैलिड नहीं कर सकते जब तक हमको ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता। ऊपर जाते हैं जो कि शिक्षा मंत्री के पास, तो हमको बैठा करके जंतर मंतर छुड़वा देते हैं और कहीं दिल्ली में अलग अलग जगह छुड़वा देते हैं ताकि हम लोग एकत्र ना हो पाए। अब मैम जो आदमी साधारण घर से है जो कि दिल्ली आ पाने का किराया ही मुश्किल से उठा पा रहा है, वो आदमी जंतर मंतर के बाद में इधर उधर टैक्सी ऑटो पकड़ के 2,000 रुपए कहाँ से खर्च कर पाएगा? बाद में सब वापस चले गए हम लोग, कुछ संख्या जो कि शायद अफोर्ड कर सकते थे या जिनको हम लोग मैम कहीं कि प्राइवेट जॉब कर रहे हैं कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अब प्राइवेट जॉब कर रहे हैं इतनी छुट्टी नहीं मिल पाती है, किसी को नहीं मिल पाती, गवर्नमेंट जॉब वालों को नहीं मिल पाती, प्राइवेट जॉब वालों को क्या मिलेगी, और मिलती भी है तो उसमें सैलरी कट जाती है। अब हम लोग वहां से छुट्टी लेकर के अपनी सैलरी कटवा करके जो कोई थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकता है हम लोग मैम आए हैं और अपनी बात को रखने के लिए, और हमारी बात ना कोई मीडिया सुन रहा है, ना कोई ऑफिस सुन रहा है, ना कोई मंत्रालय सुन रहा है, हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है, और आप लोग मिले हैं मैम, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप लोगों का, आप ऐसे मीडिया पर्सन हैं जो कि हमारी बात को न सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि रिकॉर्ड कर रहे हैं और जनता तक पहुंचा रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जी वो तो ठीक है सर, आपकी बात जैसे जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप कई लोग थे जो मतलब एक साथ आप लोगों को बसों में डाल दिया गया और अलग अलग जगह पे छोड़ दिया गया, तो अभी तक आप लोगों को कौन कौन सी जगह पे छोड़ा गया है और कौन कौन सी जगह पे आप हो चुके हैं? माफ कीजिएगा, मुझे तो जंतर मंतर पे, मेरी टीम को जंतर मंतर पे छोड़ दिया गया, हम जो लोग केंद्रीय विद्यालय वाले थे हम लोग एक साथ एक जगह पे खड़े हुए थे, बाकी कुछ लोग बिहार के लोग थे उनको शायद स्टेशन के पास छोड़ दिया गया, मैं आई डोंट नो, मतलब आप लोगों का उन लोगों से कोई कॉन्टेक्ट, कोई आई कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया, फेसबुक मैंने उनका चेहरा तक नहीं देखा, वो कौन है कहाँ है, धर्मेंद्र प्रधान जी मैंने आज तक टीवी पर ही देखा है, मैं ऑफिस के सामने खड़ा हुआ था, वो नहीं मिले। अब अगर मान लीजिए वापस उसी संख्या में जाते हैं तो कल को आतंकवादी घोषित हो जाएंगे और जेलों में डाल दिए जाएंगे, हम लोग तो अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम लोग उनसे कोई भीख तो नहीं मांग रहे हैं कि आप हमको नौकरी निकालिए, अरे हम लोग तो नौकरी निकाली तो मैं सेलेक्ट हुए हैं भाई, उसमें ऑल इंडिया लेवल पर हम लोगों ने
लेकिन अगर कोई हमारा एग्जाम और इंटरव्यू क्रैक करता है तो टीचर बन जाने के योग्य है, ऐसा केंद्रीय विद्यालय खुद अपने एग्जाम के बारे में कहता है, अपने एग्जाम की एलिजिबिलिटी को प्रदर्शित करता है ऐसा कह करके, और हम लोग उस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं लेकिन हम लोग एलिजिबल नहीं ऐसा मानते हैं। अभी तक हम लोगों ने कितने एग्जाम दे चुके हैं इसके क्लियर करने? लेकिन उसको भी मैं क्वालिफाई कर लूंगा नो डाउट, लेकिन जहाँ पे मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ, जहाँ पे मेरा अधिकार है कम से कम वो तो मुझे दिया जाए। अदर एग्जाम, अरे मैम नौकरियां निकलती है कितनी है? अगर निकलती है पहली बात नौकरियां तो उसमें एग्जाम नहीं होता है। अगर जैसे तैसे कोई धरना देकर एग्जाम करवाता है तो रिजल्ट नहीं आता है, अगर रिजल्ट आ जाता है तो रोजगारी नहीं मिलती है, आदमी कहाँ जाए? इतनी कम वैकेंसी निकलती है, लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है और ये बेरोजगारी दर अपनी चरम पर है। भारत सरकार जैसे देश आजाद हुआ है, पंचवर्षीय योजनाएं बनना शुरू हुई, तब से अपनी बेरोजगारी अपनी चरम पर है और सरकार ना कोई सरकार सुन रही है ना कोई मीडिया सुन रहा है। मीडिया के लिए तो अब विरोधी मीडिया जैसा शब्द उपयोग में लाने लगे हैं, पर आप जैसे कुछ लोग हैं जो जनता की आवाज को आज भी उठाते हैं और अलग अलग माध्यमों पर रखते हैं, प्लेटफॉर्म पर रखते हैं। आप कहाँ से हैं वैसे? मैं उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से हूँ। उत्तर प्रदेश के जिला देवरिया से हूँ। आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या मांग है? मैं यही चाहता हूँ कि सरकार इस कोर्स को कराई है तो सरकार इस कोर्स को वैलिड करे, वो शिक्षा मंत्रालय के तहत चाहे एनसीटी को कैसे भी करके इस डिग्री को वैलिड करवाए ताकि हम लोग को ज्वाइनिंग मिल सके। बस यही सरकार से आग्रह।